जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप हैं मेरे साथ उज्जैन नगरी में। तो आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर एंड अम्लेश्वर के दर्शन करने, तो वहां चलते हैं। उससे पहले अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन नहीं किए हैं, मतलब महाकालेश्वर की वीडियो आपने नहीं देखी है, तो आई बटन में वो लिंक है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर एंड अम्लेश्वर के, जो कि चौथा ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए चलते हैं। सो महाकालेश्वर से निकले हुए हमें लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और हम इसी बस से जा रहे हैं। आपको अगर बस करनी हो तो रिद्धि सिद्धि मंदिर के पास बहुत सारे बसेस के, मतलब वहाँ पे बुकिंग के स्टॉप्स हैं, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। जो नॉर्मल बुकिंग होती है, आना जाना दोनों 320 रुपये में होता है नॉर्मल बस का, और जो एसी का होता है वो 400 का होता है। आना जाना दोनों उसमें हो जाता है, तो काफ़ी सही है रेट, और आना जाना दोनों हो जाता है। मतलब 9 बजे से लेकर पिक करते हैं आपको, 9 बजे ड्रॉप करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। अभी एक स्टॉप लिया है बस में बाबा चौपाटी के नाम से। ये मैं हूँ, ये मेरी बस है और हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था श्री ओमकारेश्वर का रास्ता इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। उज्जैन से थोड़ी दूर निकलते ही हल्के हल्के पहाड़ शुरू हो जाते हैं, मानो आप मध्य प्रदेश नहीं हिमाचल या उत्तराखंड आ गए हों। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही अलग अलग जगह मेरे साथ घूमते रहें। तो चलिए साथ दर्शन करते हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के। द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्री ओमकारेश्वर जी को चौथा स्थान प्राप्त है। साथ ही नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मंदिर हैं, जिनकी समानता पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पहले हैं श्री ओमकारेश्वर, दूसरे हैं श्री ममलेश्वर, जिन्हें अम्लेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में विवाद हुआ कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। फिर भगवान शिव ने ज्योति स्वरूप लिंग का आकार लिया, जिसका ना तो कोई ओर था ना कोई छोर। कई लाख साल तक चले इस विवाद के पश्चात भगवान शिव को लिंग स्वरूप में पूजा जाने लगा। निराकार भगवान शिव के स्वयंभू लिंगों का महत्व अत्यधिक है और उनसे भी ज्यादा द्वादश ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के बारे में शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते विंध्य पर्वत के पास पहुँचे और वार्तालाप में कहा कि मेरु पर्वत तुमसे ज्यादा ऊँचा है और देवलोक तक पहुँचता है। इस बात से विंध्य के गुरु को ठेस पहुँची। फिर विंध्य ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने तपस्या से खुश होकर विंध्य को ज्योति रूप में दर्शन दिए और फल स्वरूप भगवान शिव ने विंध्य को बुद्धि का वर प्रदान किया। और फिर जब साधुओं को ये बात पता चली तो उन्होंने भी तप किया और भगवान शिव से जन कल्याण हेतु यहीं पर बस जाने का आग्रह किया। भगवान ने भी प्रसन्नता पूर्वक आग्रह स्वीकार किया और शिवलिंग 2 हिस्सों में विभक्त हो गया। उनमें जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना जाता है, और पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वे परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई, और आज के समय में परमेश्वर लिंग को ही अम्लेश्वर या ममलेश्वर कहा जाता है। श्री ओमकारेश्वर की स्थापना का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है, कब बना, किसने बनवाया कहीं भी स्पष्ट नहीं है। बढ़ते समय के साथ साथ मंदिर को 5 मंजिला बनाया गया, जिनमें श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर, श्री श्रद्धेश्वर, श्री मुक्तेश्वर, श्री ध्वजेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। ये मंदिर का प्राचीन हिस्सा है जो कि पौराणिक स्थापत्य कला को दर्शाता है। श्री ओमकारेश्वर मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम के लिए रोज रात को आते हैं और चौसर पासा खेलते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। रोज रात को इसी स्थान पर शयन आरती के पश्चात एक झूला लगाया जाता है और झूले पर चौसर सजाई जाती है, फिर एक ताला लगा दिया जाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ताला जब खोला जाता है तो तस्वीर रात से बिल्कुल अलग होती है, चौसर बिखरी हुई मिलती है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में अनादिकाल से 3 अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। ये गुफा ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक नीचे है और श्री आदि शंकराचार्य जी को समर्पित है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पहचान अगर हमें किसी ने करवाई है तो उसका पूर्णतः श्रेय श्री आदि शंकराचार्य जी को जाता है। 8 साल की उम्र में संन्यास अपनाकर उन्होंने देश भर में घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार किया था। ये दुकानें जो आप देख रहे हैं, इन सभी का व्यवसाय मंदिर से जुड़ा हुआ है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा पर इनका घर चलता है। पृथ्वी पर 5 नदियों को जीवनदायिनी माना गया है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। इनमें से नर्मदा नदी सबसे प्राचीन है। नर्मदा नदी को शिव पुत्री भी कहा गया है। कहते हैं नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी और उन्हें वरदान है कि नर्मदा नदी से निकलने वाला हर एक कंकर भगवान शिव के रूप में पूजा जाएगा। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग रूपी कंकर को नर्मदेश्वर कहा जाता है।
भोले बाबा का ये धाम जिस पहाड़ी पर बसा है उसे पुराणों में ओम पर्वत कहा गया है, और वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत की संरचना ओम के आकार की है। नर्मदा नदी के तट पर आप भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन भी कर सकते हैं। ये गौमुख धारा है जिसके बारे में कहा जाता है ये सीधा गाय के मुख से निकलती है और गौमुख धारा के नाम से प्रचलित है। यहाँ से श्रद्धालु जल रोपण कर पूजा के लिए लेकर जाते हैं। श्री मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी चौथे ज्योतिर्लिंग का समान दर्जा प्राप्त है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अनिवार्य हैं, अन्यथा दर्शन सफल नहीं माने जाते। ओमकारेश्वर और मामलेश्वर को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। दर्शन काफी अच्छे हो गए हमारे और अभी फिलहाल मैं नर्मदा नदी के आगे खड़ी हूँ, ये पीछे है। तो वैसे जो यहाँ पे मंदिर है महाकालेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप आए तो यहाँ पर भी आइएगा, आपके दो ज्योतिर्लिंग एक साथ हो जाएंगे। दो ज्योतिर्लिंग जो एक साथ कम्प्लीट होते हैं वो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों आप करते हैं तो कम्प्लीट होते हैं। तो आए आप भी दर्शन करें। फिर अभी निकलेंगे हम लोग महाकालेश्वर के लिए और उसके बाद अगर हो सका तो रात की आरती अटेंड करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेट पहुंचेंगे। तो आज के लिए बस इतना।